अगर इस तरह से एक बार कोहणा की पलई की साग बनाएंगे तो सब लोग आपकी तारीफ़ करेंगे और अंगुलियां चाट चाट के खाएंगे। तो आइए देखते हैं ये साग कैसे बनता है, बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कोहणा का पलई को तोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आई हूँ कोहणा के पलई तोड़ने। तो जितने भी पलई हैं ना कोहणा का, सब तोड़ लेते हैं। अगर इस तरह से ताज़ा ताज़ा पलई की साग बनाएंगे तो उसका साग बहुत ही अच्छा होता है। तो जितना पलई था सब हमने तोड़ लिया है, तो चलिए अभी इसे साफ़ कर लेते हैं। तो ये कोहणा की पलई है ना, इसके ऊपर जो छिलका रहता है, इस तरह से एक एक पत्ता पकड़ के छिलके को निकाल देते हैं। इसके ऊपर जो छिलका रहता है ना, उसे साफ़ करना होता है। अगर साफ़ नहीं करेंगे तो साग जो है ना टाइट होगा और खाने में मज़ा नहीं आएगा। तो इस तरह से हल्के हल्के पकड़ के छिलके को निकाल देना है, और जितना बड़ा इसके ये बड़ा बड़ा है, इसे भी तोड़ के फेंक देना है। इसे हम इसमें नहीं रखेंगे। तो आप चाहे तो इसको बिना मसाले के भी बना सकते हैं, और मसाला डालेंगे तो बहुत ही टेस्टीदार बनेगा। मैं आपको दिखाऊंगी कि इसे किस तरह से बनाना है। सबसे पहले इसे साफ़ कर लेते हैं। सब पत्ते को साफ़ करने के बाद अब इसे कट कर लेते हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में इसे काट लेना है। यहाँ पे मैं पांसुल से काट रही हूँ, आप चाहें तो चाकू से भी काट सकते हैं। तो सब ये पत्ते को काटने के बाद इसे अच्छे से धो लेंगे। तो धोने के बाद अब इसे हम कढ़ाई में रख देते हैं उबालने के लिए। इसे 4 से 5 मिनट के लिए ऐसे धो के अच्छे से साफ़ करके इसे कढ़ाई में रख के उबाल लेना है। बस इसमें कुछ नहीं डालना है। उसके बाद इसे निकाल देंगे, फिर कढ़ाई को अच्छे से साफ़ कर लेना है। तब इसमें डालेंगे 2 बड़ी चम्मच सरसों का तेल, और तेल को अच्छे से गर्म हो जाने दें। तो यहाँ पे तेल गर्म हो गया है, तब इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच मेथी दाना और इसे चटकने देंगे। जैसे इसमें से खुशबू आना शुरू हो जाएगा, तब इसमें डालेंगे मसाला। मसाले हमने सिलपट्टे पे पीस लिया है, 2 चम्मच पीली वाली सरसों, 1 गांठ लहसुन और 4 से 5 सूखी लाल मिर्च, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे। अब इसे चलाते हुए तेल छोड़ने तक मसालों को अच्छे से भून लेना है। तो यहाँ पे मसाला में तेल छोड़ना शुरू हो गया है, तब इसमें डालेंगे ये साग जो हमने उबाल के रखा हुआ था। साथ में ये डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार, और इसे चला के अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि मसाला जो है और नमक साग में अच्छे से मिक्स हो जाए। ये कोहणा के पत्ते का साग बहुत ही शानदार बनता है और खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। अब इसे कवर कर देते हैं और बीच बीच में चलाते हुए इसे अच्छे से पका लेना है। तो जब तक ये अच्छे से झूर ना हो जाए, तब तक इसे चलाते हुए पका लें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से ये झूर हो गया है, और मसाला जो है बहुत ही अच्छे से इसमें का पक भी गया है। तो मीडियम फ्लेम पे इसे हमने पकाया है। तो इस तरह से कोहणा की साग आप भी ज़रूर बनाइए, खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये साग बनाने का तरीका आपको कैसा लगा, प्लीज़ हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।